हे श्याम वर्ण वाले, हे नीलकंठ वाले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो नमः। नमः काल अग्नि रूपाय कृतंचाय से नमो नमः। ओम शम सूर्य पुत्राय नमः। ओम शम सूर्य पुत्राय नमः। ओम शम सूर्य पुत्राय नमः। नमो नारायण। 22 फरवरी 2013 और शुक्रवार का दिन है। और शुक्रवार का सुंदर जीवन मंत्र है ओम मान्याय नमः। ओम मान्याय नमः एक ऐसा मंत्र है जो आपकी संपूर्ण परेशानियों का निवारण, नित्य कर्म से निवृत्ति नाना उपरांत सुंदर इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करके देखिएगा, हर कष्ट और हर परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ओम मान्याय नमः। और बात करते हैं शुक्रवार के पंचांग की। मार्च शुक्ल पक्ष की द्वादशी, माघ का महीना है और शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। विक्रम सम 2069 पातकालीन पुनर्वसु नक्षत्र चंद्रमा मिथुन राशि में। शुक्रवार का राहुकाल प्रातः 10:30 बजे लेकर 12 बजे तक, और राहुकाल के दौरान सौदा करना, पूंजी निवेश करना, भूमि भवन और वाहन खरीदना या कमोडिटी का कोई भी सौदा करना अनुकूल उचित नहीं माना गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी, न मना रहे। अब मैं आपको नक्षत्र विज्ञान की दुनिया में ले चलता हूं, क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र आपके लिए। बात करते हैं शुक्रवार के राशिफल की, न मना रहे। मेष राशि, ग्रह गोचर शुभ अनुकूल और लाभदायक वातावरण का संकेत दे रहे हैं। आज सास और पराक्रम में वृद्धि हो, आपकी बाहुबल में वृद्धि होगी, आपका सर्कल बढ़ेगा, समर्थ लोग आपके संपर्क में आएंगे, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, कैरियर कारोबार और परिवार की व्यवस्था आपके लिए अनुकूल और लाभदायक रहेगी और संपूर्ण कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। भाई बंधुओं का सहयोग होगा, घर परिवार में शुभ कार्य संपन्न होंगे और मनोअनुकूल और लाभदायक छोटी मोटी यात्रा भी होगी। दिन बहुत अच्छा बीतेगा, क्या करें, स्वजनों की मदद से कार्य को पूरा करने का और प्रयास करिए, बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें, कार्यस्थल में कोई फेरबदल ना करें। नमन में बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, संपूर्ण ग्रह गोचर का संकेत यह है कि गोचर थोड़ा सा मध्यम है, कामकाज की स्थिति मध्यम रहेगी, इसलिए सहजता और धैर्य से काम करें। खर्चे की अधिकता से परेशानी हो सकती है, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी। यदि शिक्षा में रुचि कमी रही तो नुकसान हो सकता है, और घूमने फिरने में रुचि बढ़ी, धन और समय का सदुपयोग नहीं किया तो नुकसान होगा। आज के दिन धन और समय दोनों का सदुपयोग करना बेहतर होगा। गोचर थोड़ा सा मध्यम है, कारोबार में ध्यान दें, अपनों को साथ लेके चलें, खर्चों पर काबू रखें और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति आज आपको सजग रहना पड़ेगा। क्या करें, दोपहर 3 बजे के बाद विशेष कार्य योजना को संपन्न करेंगे तो और उसमें सफलता मिलेगी। क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। नमन और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, ग्रह गोचर की स्थिति अनुकूल और लाभदायक है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा, आज अपने आप को आप रिलैक्स महसूस करें, जो सोच है जो एकदम सोच सकारात्मक होगी और निर्णय लेने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। उलझनों और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, कारोबार में अनुकूलता और सुधार और धन लाभ होगा। क्या करें, आज वाहन संबंधी कोई कार्य करे तो बहुत अच्छा रहेगा, वाहन खरीद सकते हैं, वहां में पूंजी निवेश कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। क्या ना कर, किसी को उधार और कर्ज न दे। नमन में बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, सितारों की चाल दोपहर 3 बजे तक अनुकूलता का संकेत नहीं दे रही है और ऐसा लगता है कि मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, कहीं से अशुभ समाचार से मन खिन्न रहेगा, परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, कार्य योजना में विलंब और आज वाहन आदि से चोट लगने का भय भी नजर आ रहा है। ये दोपहर 3 बजे तक ऐसा ही है, थोड़ी सी सावधानी, छोटा सा उपाय और ये उपाय आपके लिए बहुत, नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र भगवान शिव का, नमः शिवाय का जाप करते हुए गंगा जल और जल से भगवान शिव का अभिषेक करिएगा, आपके लिए शुभ और कल्याणकारी रहेगा। विशेष क्या करें, नियम और कानून के दायरे में रहकर कोई कार्य करें। क्या ना करें, आय से अधिक खर्च ना करें। नमन बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्य करने का आनंद आएगा, एक अलग से एक नई उम्मीद के साथ आप उस जज्बे के साथ कार्य में लगेंगे और उसका लाभ आपको मिलेगा, शुभ समाचारों से मन प्रसन्न रहेगा और भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी, आज धन लाभ होगा,
नवीन कार्य की योजना सफल होगी, दूरदेशी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और कारोबार में कैरियर में मनोअनुकूल उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। गोचर बहुत शुभ है, क्या करें, थोड़ा सा राजनीतिक किसी तरह अपने अधिकारों का प्रयोग करके देखिएगा, लाभ मिलेगा, क्या ना करें, व्यर्थ में किसी से विवाद में ना पड़े। नमन बात करते हैं कन्या राशि, कन्या राशि वालों गोचर सफलता शुभता और मंगलमय वातावरण का संकेत दे रहा है। आज का जो निजगत कर्मों की वजह से गोचर है वो आपको सफलता का संकेत दे रहा है। आपकी सफलता और आपकी असफलता आपके कर्मों पर निर्भर करती है, आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आज जो गोचर है वो आपको सफलता का संकेत दे रहा है, अनुकूल फलों की प्राप्ति होती रहेगी, शुभ समाचार प्राप्त होंगे, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी, नए और पुराने मित्रों से मेल मुलाकात बढ़ेगी। यदि आप बेरोजगार तो रोजगार प्राप्त होगा और नौकरी में है तो उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, कारोबार में धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे, क्या करें, वरिष्ठ जनों से थोड़ा सा मेलजोल बढ़ाए, क्या ना करें तो पारिवारिक मतभेद को न बढ़ने दें। नमूना बात करते हैं तुला राशि की, तुला राशि वालों समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, सुख के साधन बढ़ेंगे, शुभ विचारों का उदय होगा, समाज में आपकी सलाह और मशवरा की कदर होगी, आपकी कही गई बात का वर्चस्व वजन रहेगा, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, बड़े भाई बंधु का सहयोग और लाभ प्रसिद्ध रहेगा, मन में उत्साह और प्रसन्न का वातावरण रहेगा, व्यावसायिक उन्नति का अवसर मिलेंगे, इच्छित कार्य पूर्ण होंगे और धन लाभ की योजना सफल होगी। बहुत सुंदर गोचर है तुला राशि वाले, क्या करें, आप किसी से भी आज उधार लेन देन कर सकते हैं, गोचर बहुत अच्छा, क्या ना करें, धन और समय का दुरुपयोग ना करें। नमूना बात करते हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों गोचर थोड़ा सा प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। आज जमीन जायदाद संबंधी विवादी सौदों से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी है। आज कानूनी मसलों में किसी की मध्यस्थता नहीं करें, पारिवारिक रिश्तों की कदर करें, क्योंकि गोचर प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। गुप्त वार्ता और कार्य में रुकावट हानि प्रबल नजर संकेत दे रही, बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। कानूनी उलझन है, आज सरकारी दंड का भुगतान भी करना पड़ सकता है, पैतृक संपत्ति से उलझन और धन हानि भी हो सकती है। सुबह से लेकर शाम तक गोचर ये कह रहा है कि थोड़ा सा सावधान, कानूनी मसलों में खिलवाड़ नहीं करें, सरकार के विरोधी कोई कार्य नहीं करें और नैतिकता का दामन पकड़ रखें और पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चले। छोटा सा उपाय, बहुत सुंदर उपाय, इसको करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज ओम हम पवनंदनाय सुहा इस मंत्र का जाप करें, श्रद्धानुसार जाप करने के बाद 1.25 किलो साबुत मसूर की दाल आप सफाई कर्मचारी को दान में दीजिएगा, कष्ट नहीं आए, क्या करें, नियम और कानून की इज्जत करना आज आपका कर्तव्य होगा, क्या ना करें तो बहुत जरूरी है। उतना ही पांव पसारिए जितनी लंबी छोड़, मतलब कि सीमाओं से बाहर कोई भी कार्य ना करें। नमन और बात करते हैं धनुराशि की, धनुराशि वालों सितारे सफलता का संकेत नहीं दे रहे, सितारों की चाल ये कह रही कि आज कैरियर और कारोबार और व्यवसाय में परेशानी है, आज कोई ना कोई तकलीफ नजर आ रही है, पारिवारिक सदस्यों की वजह से, संतान की वजह से या किसी अनजान व्यक्ति पर आपने भरोसा किया तब भी आपको नुकसान हो सकता है। आपकी संस्था में आपके कारोबार में आज सरकारी तंत्र का हस्तक्षेप नजर आ रहा है, कार्यों में हानि है, संयम से कार्य करें अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। धनराशि वालों दोपहर 12 बजे तक गोचर ये करा कि थोड़ा सावधान रखें, दोपहर 12 बजे के बाद धीरे धीरे कार्यों में सुधार होगा, मनोनुकूल कार्य बनेंगे, गुजर लायक धन की प्राप्ति होगी और परेशानियों का निवारण भी होगा। थोड़ा सा मान सम्मान की चिंता, छोटा सा उपाय, बहुत सुंदर है ये, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शा गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें, चने की दाल अपने हाथ से गाय को खिलाई, श्रद्धानुसार कष्ट नहीं आए, क्या करें, पुराने वाद विवाद को दूर करने का प्रयास करें, क्या ना करें तो आज किसी भी व्यक्ति के साथ बिना सोचे समय साझेदारी में कार्य प्रारंभ ना करें। नमन बात करते हैं मकर राशि की, मकर राशि वालों ग्रह गोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, मन प्रसन्न रहेगा और अपनों को सफलता मिलेगी, उससे और ज़्यादा प्रसन्नता बढ़ेगी। आज आपके जो छोटे भाई बहने उनको बहुत सुंदर सफलता मिलेगी, उनकी सफलता से और ज़्यादा मन प्रसन्न रहेगा। शुभ समाचारों की प्राप्ति, ग्रहगोचर की शुभता के कारण आज रुके हुए संपूर्ण कार्य बनेंगे, धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, कानूनी मसलों में आपको सफलता मिलेगी और कार्य में उन्नति के अवसर और सरकारी कार्य सफल होंगे और यश की प्राप्ति नजर आ रही है, क्या करें, कोई नया व्यवसायिक सौदा आप कर सकते हैं, अच्छा रहेगा, क्या ना करें, स्वजनों का अनुचित लाभ ना उठाएं। नमन बात करते हैं कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों जिस तरह के ग्रह योगायोग है आज आध्यात्मिक रुझान मिलेगा नजर आ रहा है और धार्मिक यात्राओं का अवसर प्राप्त होगा और यात्राएं अच्छी भी रहेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक सूर्यस्थ में बढ़ोतरी होगी, समय और प्रश्न में सुधार नजर आ रहा है और कारोबार की स्थिति में सुधार होगा, गुजारे लायक धन की प्राप्ति होगी,
आवश्यक जिम्मेदारी को पूरा करने में आप सफल रहेंगे, दिन अच्छा बीतेगा। क्या करें, कार्य क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं, क्या ना करें, तो बड़े और बुजुर्गों का कहा न टाले। बात करते हैं मीन राशि वालों, सितारे ये कह रहे हैं कि आज धैर्य से काम करना पड़ेगा। आज सफलता धैर्य और संयम पर निर्भर करती है। आज साझेदारी कार्य में धोखा और हानि मिलना संभव है, इसलिए मैं सावधानी बरतें। बहुत जरूरी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जो समाज और सरकार विरोधी हो, नुकसान हो सकता है। धन की कमी है, यात्रा में कष्ट है। आज अनजान लोगों के साथ मित्रता करना नुकसानदायक रहेगा और आज परिवार वालों के साथ विश्वास नहीं करना भी आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। परिवार पर विश्वास करें, अनजान लोगों से सावधान रहें, सरकारी अफसरों से बनाकर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। छोटा सा उपाय जो आपके लिए बहुत जरूरी है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। इससे आज आपको कष्ट नहीं आए। क्या करें, थोड़ा सा आर्थिक लाभ के लिए, व्यवसाय में बढ़ोतरी के लिए समझौतावादी नीति अपनाएं। क्या ना करें, बिना विचारे कोई भी कार्य ना करें, न मना रहे। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, जो नक्षत्र पर आधारित था। और बात करते हैं आज के उपाय की। धन प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए कनक धारा यंत्र की अपनी एक महिमा है। यदि श्रद्धापूर्वक अपने घर में कनक धारा यंत्र स्थापित करके नित्य प्रतिदिन धूप दीप नैवेद्य और पुष्प अर्पित करें तो बहुत लाभ होगा। साथ ही प्रतिदिन घी का दीप जलाकर ओम वंग श्रीं वंग ऐंग रिंग क्लिंग कनक धारे स्वाहा, ओम वंग श्रीं वंग ऐंग रिंग क्लिंग कनक धारे स्वाहा, कनक धारा के मंत्र को स्फटिक के माला पर 11 माला प्रतिदिन सुबह जाप करते हैं तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती और धन की प्राप्ति जरूर होगी और संपूर्ण जीवन की समस्याओं का निवारण भी होगा। न मनाए माने नमाले अद्भुत टोटका है। और बात करते हैं आज के नुस्खों। यदि गले में कोई प्रॉब्लम है तो पालक के पत्ते थोड़े पानी में उबालकर लुगदी बना दीजिए और गले में बांध दीजिए, जलन और सूजन से तुरंत राहत मिल जाएगी। हरे धनिया को पीसकर उसमें गुलाब जल और बेसन मिलाकर गले पर लेप करने से गले की सूजन तुरंत ठीक हो जाती है। ये छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं, छोटे छोटे मेरे उपाय और टोटके और राशि पर। ये सारे नुस्खे, सारे उपाय, सारे टोटके और राशि पर www.shanidham.in पे मिल जाएगी। किताबों के बारे में, जन्म कुंडली के बारे में कुछ भी जानना हो तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 9910692001, इस नंबर पर संपर्क करके संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। न मना रहे। और बात करते हैं आज की दाती गुरु मंत्र। अपेक्षाओं से ऊपर उठना होगा। सांसारिक प्रेम के दो पहलुओं का तालमेल सही तरीके से बैठाना आवश्यक होता है। सांसारिक प्रेम अपने पर केंद्रित नहीं है, उसका केंद्र दूसरा है। आपको उसके चारों ओर चक्कर लगाना पड़ेगा। यही वजह है कि सांसारिक प्रेम कभी संतुलन होता है तो कभी असंतुलन होता है। लेकिन स्वकेंद्रित प्रेम में आप ही केंद्र होते, आप ही अपने चारों ओर भ्रमण करते, केवल आपका आपसे संबंध है, आपका आपके प्रति प्रेम है। सांसारिक प्रेम में अपेक्षाएं जुड़ी रहती है। यदि आप ध्यान को अपनाएंगे तो जागरूकता आएगी। आपको आत्मा से प्रेम में जाना होगा। सभी जीवों में एक समान आत्मा, इसलिए आत्मा से प्रेम करो, निराकार से प्रेम करो, रूप से मत करो। आपने अब तक आकार से प्रेम किया है और जब आप निराकार से प्रेम करोगे तब आपको प्रेम का वास्तविक अर्थ ज्ञात होगा। आत्मिक प्रेम शास्त्र और सनातन होता है, वो किसी आकार में बंधा नहीं होता है। जब हम किसी आकार को पसंद करते उस आकार से अलग आकार वाले प्रेम करना आसान नहीं होता है। संसारिक वस्तुओं से प्रेम करने में यही अड़चन होती है, लेकिन आत्मिक प्रेम किसी आकार में बंधा नहीं होता। और जब आप भीतर चल जाएंगे तो भीतर का प्रेम आकार में नहीं, वो निश्चल प्रेम है, जहां कोई छल नहीं है, कोई बंधन नहीं है। आप भीतर जाइए, भीतर की पगडंडियों में चलेंगे तो संपूर्ण आनंद और परमानंद की प्राप्ति होगी। और ये मार्ग है ज्ञान का, तत्व ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, आत्म ज्ञान का, और गुरु महाराज जी की दया से पाया है मैंने और मैं आपको वहां ले जा सकता हूं। और ये अद्भुत प्रेम है। जो मनुष्य अपने भीतर के उस अद्भुत अस्तित्व से प्रेम कर लेगा तो संपूर्ण चराचर जो अपने से प्रेम कर सकता है वो दूसरों से भी प्रेम कर सकता है। मैं उस अलौकिक प्रेम की चर्चा करूँ और वो मिल सकता है, आप भी पा सकते हैं, क्योंकि मैंने पाया है। नमन। और बात करते हैं आज के सुझाव की। यदि व्यवसाय में लाभ के लिए आज शुक्रवार का दिन है और आज के दिन राहु काल के दिन चांदी का एक सिक्का, एक कौड़ी, एक गोमती चक्र, मोती शंख को श्वेत वस्त्र में लपेट कर धन स्थान में रखने से व्यवसाय संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा।
एक चांदी का सिक्का, एक कौड़ी, एक गोमती चक्र, मोती शंख स्वच्छ वस्त्र में बांधकर धन स्थान में रख दीजिए। संपूर्ण व्यवसाय संबंधी परेशानियों का निवारण होगा, न मनाए। आज इतना ही, कल शनिवार के लिए दाम्पत्य सुख की प्राप्ति के लिए अद्भुत उपाय बताऊंगा और कुष्ठ रोग है तो कोई नुस्खा बताऊंगा। साथ ही शनिवार का अद्भुत जीवन मंत्र, टोटका, राशिफल और दाती गुरु मंत्र लेकर भी आऊंगा। लेकिन आज इतना ही, न मनाए।